देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। विश्व ब्राह्मण समाज संघ की ओर से रविवार शाम को फागोत्सव का आनंद और उल्लास पश्चिम क्षेत्र के सिद्ध स्थान श्री हंसदास मठ पर देर रात तक छाया रहा। गेंदा, गुलाब, नवरंग, चंपा, चमेली आदि फूलों के साथ महत्व इत्र की खुशबू माहौल को खुशनुमा बनाती रही। मथुरा वृंदावन के कलाकारों की प्रस्तुतियां एवं भजन संध्या लोकगीतों में हजारों समाजजन मंत्रमुग्ध नजर आए। विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा मध्य प्रदेश सरकार पंडित योगेंद्र महंत, विश्व ब्राह्मण समाज संघ के प्रदेश संयोजक पवनदास महाराज ने बताया कि विगत एक माह से शहर एवं अलग अलग अंचलों में फागोत्सव मनाया जा रहा था। आज समापन बेला पर महामहोत्सव का आयोजन श्री हंसदास मठ पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम और अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिकृति के सम्मुख पूजन अर्चन कर अतिथियों ने किया। महामंडलेश्वर हंस पीठाधीश्वर श्री रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में संत महात्मा शामिल हुए। बड़ी संख्या में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले शख्सियत कार्यक्रम में सहभागिता की, प्रमुख रूप से सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, गोपी कृष्ण नेमा, उमा शशि शर्मा एवं अन्य जन प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भजन सम्राट गन्नू महाराज के सुमधुर भजनों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। आयोजन में सांसद शंकर लालवानी के उपस्थित होने के बाद भजन गायक गन्नू महाराज ने कहा कि इस बार श्री लालवानी 9 लाख से भी अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। कार्यक्रम में ज्यादातर व्यवस्थाएं मातृशक्तियों द्वारा संचालित की गई। विश्व ब्राह्मण समाज संघ के फागोत्सव की खासियत यह रही कि शहर के विभिन्न वार्ड एवं जिले के ब्लॉक एवं तहसील स्तर के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर गर्मियों में मूक पक्षियों के दाना पानी की अलग अलग जगह व्यवस्था करने का संकल्प लिया। मथुरा वृंदावन के कलाकारों की नाट्य प्रस्तुति ने सबको आकर्षित तो किया ही, हर कोई इन कलाकारों के साथ सेल्फी लेने को उतावला नजर आया। अंत में आभार पंडित अनंत महंत ने माना। इतना सहज, इतना सरल, इतना सौम्य क्यों नहीं मिलेगा? अपने को मिलेगा। आपकी तो ऐसा मेरा भाव है, है? तो 9 लाख पारी होना चाहिए, है? तो जरा जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। ओ एक
विश्व ब्राह्मण समाज संघ द्वारा यहाँ पे लगातार भाग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस वर्ष भी किया जा रहा है और बहुत ही उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आपको उपस्थित पंडित योगेंद्रपुरी जी और हमारे पवन शर्मा जी पंडित जी के माध्यम से आज हंसराज पार्टी में माघ उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत ही उत्साह उमंग पूरे समाज में देखने को मिल रही है और ये इंदौर की परंपरा है कि धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, उत्सव की नगरी है। यहाँ हर उत्सव बहुत ही परंपरा के साथ मनाया जाता है, लेकिन हंसराज मठ का एक विशेष महत्व है और यहाँ पर ये माघ उत्सव हुआ है। हम सब ने मिलकर माघ उत्सव का आनंद लिया और हमें संतों का आशीर्वाद भी मिला है कि समाज में सेवा करने की प्रेरणा मिली। भजन गा गन्नू महाराज ने लोगों का आंकड़ा आपके लिए दिया है, क्या कहना चाहेंगे? भजन हमारे भजन सम्राट गन्नू महाराज बहुत प्रसिद्ध भजन गायक है और भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। इस वर्ष भी आयोजन हुआ है, आप भी पधारे हैं, क्या संदेश है? हां तारा इंदौर उत्सवों का शहर है, उन उत्सवों में होली की अलग मस्ती है, लेकिन होली की मस्ती के पीछे भगवान की आराधना का भी भाव है। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से ब्रज में होली खेलते हैं, होली मिलन है, ये हमारी इंदौर की ताकत है। और हंसदास मठ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मिलन फाग उत्सव का आयोजन हमारे महाराज जी के सानिध्य में आयोजित हुआ है। विश्व ब्राह्मण संघ हमारे योगेंद्र महंत जी और स्वयं गन्नू महाराज जी ने यहाँ आज सब भक्तों को भजनों से आनंद दिलवाया है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, पूरे इंदौर की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ और सभी विप्र बंधुओं का, सभी भक्तों का होली पर अभिवादन करता हूँ, सबको होली की शुभकामनाएं। गन्नू महाराज जी ने 9 का आंकड़ा शुभ बताते हुए 9 लाख की जीत का यहाँ से आश्वासन दिया है। गन्नू महाराज ने अगर कोई बात कही है तो इसमें दम है, और दम इसलिए है कि उनकी आवाज में और उनकी बात का दम पूरा इंदौर रोज देखता है। कल रंग पंचमी की गैर में सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करने वाले, फाग गीतों पर झुमाने वाले गन्नू महाराज हैं और जिस मंच पे वो कोई बात कहते हैं उसमें दम रहता है। उनने कहा है 9 लाख पार, तो 9 लाख पार कर देगी इंदौर की जनता। विश्व ब्राह्मण समाज संघ की ओर से लगातार कितने वर्षों से हो रहा है और इस बार क्या खास आकर्षण का केंद्र है इस पूरे आयोजन में? आज यहाँ पर इस आयोजन का विराम था, पूरे एक महीने से अलग अलग क्षेत्र में ब्राह्मण समाज संघ विभिन्न फाग उत्सव के आयोजन करता रहा और उसका समापन था इसके सभी अतिथिगण इसमें शामिल हुए और सभी के उपस्थिति में सानिध्य में यह आयोजन हुआ। और आज हमने संकल्प भी लिया है, सभी से निवेदन किया है कि सभी इस गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के लिए सपोरे प्रश्न देखते हैं। आगामी समय में लोकसभा के चुनाव भी है, तो क्या अधिक से अधिक मतदान के लिए भी निश्चित रूप से अधिक मतदान, और उसमें भी ये संकल्प लिया कि पूरे भारत में मतदान के प्रतिशत में इंदौर का नाम सर्वोपरि होना चाहिए और जो संस्था में जब हम नंबर एक तो मतदान में भी नंबर एक आएंगे। ऐसा हमने सभी समाजजनों से निवेदन किया है कि वो स्वयं भी वोट डाले, अपने परिवार के वोट डाले और अपने आप को ऐसे कहीं चाहे करें कि वो उत्सव का आयोजन हुआ। बहुत ही जोरदार आयोजन आज इस बार रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हंसदास मठ में समग्र ब्राह्मण समाज का विश्व ब्राह्मण समाज संघ व हंसदास मठ भक्त मंडल के संयुक्त तत्वाधान में भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। वृंदावन में ब्रज भूमि में एक महीने तक फाग उत्सव चलता है, 4 भुजानाथ मंदिर में 15 दिन तक चलता है। इसी तरह विश्व ब्राह्मण संघ ने भी इस बार महीने भर की श्रृंखला फाग उत्सव की चलाई और आज उसका विश्राम किया गन्नू महाराज की बहन संध्या के द्वारा। और यह कार्यक्रम हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में और पूर्व राज्य मंत्री दर्जा योगन महंत जी के संयोजकत्व में आयोजित हुआ। पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे इंदौर के सब यहां उपस्थित थे। इंदौर का ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा यह फाग उत्सव मनाया जाता है। आज यही सबको संदेश दिया गया कि गर्मी का मौसम आ रहा है, सब अपनी अपनी छत पे एक सकोरा रखें जिससे कि जो पक्षियां हैं, पक्षी हैं,
उनको जल की प्राप्ति हो सके, और जल बचाने का भी सबको संकल्प दिलाया गया कि जल ही जीवन है, अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं है। मतदान के लिए भी कोई संकल्प यहाँ पर लिया गया अधिक से अधिक? मतदान के लिए हमारे सांसद शंकर लालवानी जी द्वारा सबको संकल्प दिलाया गया कि सभी अपने मतदान का उपयोग जरूर करें, छुट्टी के लालच में बाहर नहीं जाएं। और होली का जो त्यौहार होता है वह प्रेम और विश्वास का होता है। प्रेम और विश्वास ऐसा रखना चाहिए, मतभेद जो रहते हैं मतभेद दूर कर देना चाहिए लोगों के साथ। बरसात होती है, बरसात आती है चली जाती है, तो बरसात जैसे मतभेद रखना चाहिए, मनभेद नहीं रखना चाहिए। प्रेम और विश्वास का साथ ऐसा रखना चाहिए कि भले मतभेद हो जाएं तो बारिश खत्म होती है, ऐसे ही मतभेद भी खत्म कर देना चाहिए। होली का यही संदेश रहता है कि हवा जैसे बनो जो 24 घंटे आपके साथ रहती है, तो प्रेम और विश्वास हमेशा साथ में रखोगे तो बिल्कुल सब आनंद ही आनंद है। सभी को फाग उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान रणछोड़ जी महाराज की कृपा सब पर बनी रहे। पंडित महंत जी और पवन शर्मा जी के माध्यम से हर वर्ष आयोजन होता है, लगातार इसमें संख्या बढ़ रही है, जनता की भी क्या कहना है? हंसदास मठ जो है एक धार्मिक आयोजन के लिए पवन जी शर्मा अपना दिल खोल के सभी ब्राह्मण बंधुओं या धार्मिक संगठनों को देते हैं, और योगेन जी मेन जो हमारे बड़े भाई है वो तो निश्चित रूप से इंदौर शहर में कहीं भी पूरे MP में कोई धार्मिक आयोजन करता है इनके पास सहयोग के लिए या आशीर्वाद के लिए आता है तो निश्चित रूप से देते हैं। और आज जो ये धर्म की गंगा पूरे मध्य प्रदेश इंदौर में जो बह रही है उसमें मैं मानूंगा अपने मुँह से बड़ी बात तो नहीं, लेकिन 50% योगदान योगेंद्र जी महंत का है। किसी का मनोबल नहीं तोड़ते हैं, जो आता है उसको आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं, उसका मनोबल बढ़ता है आर्थिक रूप में और वो एक शक्ति के रूप में धार्मिक आयोजन जैसे भी सामाजिक और उत्सव का जो शहर बताया है आदरणीय सांसद महोदय ने वो बिल्कुल सही है। उस गंगा को बहाने में योगेंद्र जी महत का 50% योगदान है, और हमारे पवन जी शर्मा तो आप कभी भी किसी भी रूप में धार्मिक आयोजन के वो यही कहेंगे ये तारीख खाली है बोला आप कर लो, उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD News। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD News के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD News। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD News।